ये जो गर्म आंच पे फ्राई हो रहा है ये देखो, ये जबकि अभी ये बरोबर नहीं बन रहा है, ये ना ज़्यादा क्रिस्पी है ना ज़्यादा करंची है, आप लोग देख समझ सकते हैं खुद ही सही बात है कि गलत बात है। मैं जानबूझ के आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि मतलब हाँ रियल पता चले आप लोगों को सही है कि गलत है। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा भट्टी के अंदर मारे हैं पानी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम। अब अगर देखेंगे तो देखो ये पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है गोलगप्पा पानी पूरी सूजी वाले गोलगप्पे बनते कैसे हैं, आटे वाले गोलगप्पे बनते कैसे हैं? अगर नहीं पता है ना तो आज का वीडियो बहुत खास और बहुत जबरदस्त होगा। आज मैं सिर्फ एक जग सूजी से बनाने वाला हूं, कितना सारा पानी पूरी बनेगा मैं आप लोगों को जो भी रहेगा रियल दिखाऊंगा, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाऊंगा। और बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं हमारा जो सूजी वाले गोलगप्पे बने हैं और कितना क्रिस्पी क्रंची बना है। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग। अगर आप लोग ना हो सूजी से और कितना सारा बना है हमारा 220 पूरी, उसमें अगर 20 पपड़ी भी पकड़ो तो भी उसमें अपना 200 पूरी तो कन्फर्म है। और कितना क्रिस्पी है कितना क्रंची है देखो। ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत जबरदस्त तरीका आज मैं बताने वाला हूं। और चलो मैं बताता हूं और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिरी तक, ताकि ये टू जेड आज हम बनाने जा रहे हैं जो पानी पूरी गोलगप्पा, उसका सामान क्या है आज मैं सिर्फ सूजी से बनाऊंगा और ए टू जेड सूजी से ही बनाऊंगा, दूसरा इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है, ये सूजी है, मीडियम वाला सूजी है, ये मीडियम वाला सूजी है देखो। ये बिल्कुल एकदम अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मतलब हाँ सही है कि गलत है। देखो ये बिल्कुल मीडियम सूजी है और थोड़ा सा हम खाने का सोडा इसमें डालेंगे। और आज मैं जग से लूँगा और देखूँगा एक जग में कितना सारा पानी पूरी गोलगप्पा हमारा बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं आज एक जग में कितना सारा बनेगा, आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा। जबकि ये सिर्फ समझो परफेक्ट नाप के लिया हूँ ताकि आप लोगों को पूरा एकदम कन्फर्म क्लियर पता चले। ये आप लोग देख सकते हैं ये एक जग भर के पूरा एकदम राइट है, पूरा एक जग एकदम राइट है। उसके बाद एक जग सूजी लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे एक चुटकी एकदम हल्का सा खाने का सोडा, बिल्कुल एकदम हल्का सा खाने का सोडा डालना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसका बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगाएंगे। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं शुरू में अभी, ताकि बाद में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे कि ये जो इसका जो ये सूजी का हमारा जो गोलगप्पा है ना, इसको जब फ्राई करना है बिल्कुल एकदम मीडियम आँच पर फ्राई करना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अगर सूजी का गोलगप्पा अगर आप लोग बना रहे हैं तो अगर ज़्यादा तेज आंच पे हीट पे अगर फ्राई करेंगे तो अच्छा और नहीं बनेगा कभी भी। उसके बाद इसको बिल्कुल एकदम मीडियम हल्के आंच पे फ्राई करना, ताकि एकदम लाल क्रिस्पी क्रंची आपका फर्स्ट क्लास बने। अब ये हिसाब से हम इसका पहले आटा लगा लेते हैं। अब बिल्कुल एकदम इसका हम एकदम अच्छे से आटा लगा के तैयार करेंगे, ताकि एकदम बढ़िया हमारा आटा लग के तैयार हो और आप लोगों के सामने है, सिर्फ सूजी का है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अगर कभी भी आप लोग पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाओ अगर सूजी का, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मतलब कभी भी ये गलती तो कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्या क्या गलती नहीं करना है और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। इसलिए एकदम अच्छे से देखना, ताकि आप लोग वो गलती बिल्कुल ना करें कि जो जिससे आपका नुकसान हो, आपका मेहनत नुकसान हो। अब इसको हम अच्छे से लगा के आटा, इसको हम ज़्यादा कम से कम आधा घंटा छोड़ेंगे, कम से कम आधा घंटा। अब अगर आप लोग देखेंगे तो देखो ये आटा हमारा लग के हो गया एकदम परफेक्ट रेडी।
और एक चीज मैं और बता दूं कि अगर सूजी का गोलगप्पा कभी भी अगर बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इसका आटा नरम लगाना है, क्योंकि बाद में टाइट होगा, इसलिए बिल्कुल एकदम हल्का सा नरम लगाना है। और उसके बाद इसको हम आधा घंटा छोड़ेंगे ताकि हमारा सूजी एकदम बढ़िया एकदम अच्छे से फूल जाए। अगर ऐसा अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपका गोलगप्पा जब बेलेंगे ना तो पूरा फट जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। अब ये हिसाब से देखो, अब रखने के बाद आधा घंटा अच्छे से छोड़ेंगे ताकि हमारा अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। और बने रहिएगा वीडियो में ताकि आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें कभी भी अगर आप लोग गोलगप्पा बनाने का सोच भी रहे हैं तो। अब अगर आप लोग देखेंगे तो देखो, ये हमारा आधा घंटा होने के बाद अब इसको हम निकालेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद बिल्कुल एकदम अच्छे से हम इसको बढ़िया से मसलेंगे ताकि हमारा एकदम आटा बढ़िया एकदम अपना एकदम सेम रोटी का जैसा हम आटा लगाते हैं सेम वैसा ही अच्छा मसल के इसको अब साफ करेंगे ताकि एकदम बढ़िया से हमारा आटा एकदम बढ़िया ज़बरदस्त बिल्कुल एकदम रोटी के आटे के जैसा हो जाए। उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे, क्योंकि जब तक एकदम अच्छा बढ़िया नरम नहीं होगा ना, अगर उसका अगर आप लोग इसका लोई पेड़ा बनाएंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये अच्छे से अगर देखेंगे तो देखो, ये इसको कैसा भी खींचेंगे, जबकि पूरा सूजी है आप लोगों के सामने, ऐसा है नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ और बना रहा हूँ कुछ और, ये आप लोगों के सामने है, ये सिर्फ सूजी है। लेकिन इसको जब आधा घंटा छोड़ेंगे ना, आधा घंटा से जैसा लगे कि मतलब अभी हमारा फूला नहीं है, उसके बाद थोड़ा देर और छोड़ देना, लेकिन कम नहीं कि मतलब चलो रख दिया आधा घंटा हो गया तो हो गया। आप लोग क्योंकि अगर नया नया बनाएंगे तो समझ में आएगा नहीं, अगर समझ में आएगा नहीं तो बनेगा नहीं, इसलिए कभी भी एकदम अच्छे से करना है ताकि एकदम परफेक्ट बने गोलगप्पा एकदम ठेले वाले जैसा। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से अब ये हिसाब से देखो, अब इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने का तरीका कुछ हमारा ऐसा है, देखो ये हम इसका लट लगा के कटिंग कर लेंगे, ये कटिंग कर लेंगे फटाफट इसका। अब ये हमारा कटिंग होने के बाद अब देखो, हम इसको वापस फिर से पॉलिथीन में ही रखेंगे, और यही चीज़ जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे नहीं समझ पाएंगे नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम असली का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से घर बैठे सीख पाए। अब ये हिसाब से हम क्या करेंगे, ये अब इसका पेड़ा कैसे बनाना है देखो, अब ये हिसाब से हम इसका पेड़ा बना लेंगे ये, ताकि एकदम परफेक्ट और बढ़िया एकदम ज़बरदस्त बने देखो। अब ये हिसाब से, और ये कोई तो भैया कमेंट कर रहे थे कि मतलब इसका जो हमारा पेड़े का साइज जो है कितना वजन है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो हमारा साइज है 5 ग्राम का हम लोग बनाते हैं देखो, और 5 से 6 ग्राम के बीच में ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो बाहुबली पानी पूरी बनेगा, ये रेगुलर पानी पूरी नहीं। इससे अच्छा एकदम ध्यान से और बढ़िया से इसका पेड़ा बनाना है 5 से 6 ग्राम के बीच में। अब ये हिसाब से हम पहले इसका कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसमें क्या मिलाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे, देख पाएंगे और जान पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा एक जग सूजी से, आज मैं आप लोगों को धुल के भी दिखाऊंगा कितना सारा हमारा गोलगप्पा इसमें बनेगा। आज रियल में आप लोग अगर सोच रहे हैं गोलगप्पे वाले से सीखना, तो आज मैं गिनती करके भी दिखाऊंगा कि मतलब कितना सारा बनेगा। अब देखो क्या करना है, ये होने के बाद अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे, ये बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं का आटा, उसके बाद ये हिसाब से उसके ऊपर मार देंगे, मारने के बाद बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसा मिला देंगे ताकि हमारा पेड़ा एकदम परफेक्ट बन के हो जाए रेडी बेलने के लिए। ये हिसाब से अगर आप लोग, यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझो, देखो, और जब तक देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं जब तक बना नहीं पाएंगे, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। अब देखो ये होने के बाद अब हम इसका गिनती कर लेंगे, सबसे पहले कितना सारा आज हमारा बनेगा। आज मैं आप लोगों को बताया हूँ तो गिन के दिखाऊँगा, तो हकीकत में दिखाऊँगा कितना सारा बनेगा। देखो ये हमारा पेड़ा बनके हो गया रेडी। अब हम इसका पहले गिनती कर लेते हैं कितना सारा बनेगा।
अब आप लोग भी गिन सकते हैं कितना सारा बनेगा। ये आप लोगों के सामने है। अब मैं गिनती करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कितना हुआ, 220 पूरी हमारा बन के रेडी होगा। अगर इसमें से मानता हूँ 10-20 पपड़ी भी निकल गए तो आपका 200 पूरी एकदम परफेक्ट बचेगा। 20 अगर पपड़ी बनने के बावजूद भी, चलो अब इसको हम बेल के उसके बाद फ्राई करके देखेंगे कितना हमारा पूरी बन के आज रेडी होगा। अब चलो हम इसको बेल लेते हैं और बेलने का तरीका आप लोग देख सकते हैं हम लोग बेलते कैसे हैं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम रियल में, तो ये हिसाब से इसका सबसे खास बात बेलने का क्या है कि एकदम बरोबर बेलना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मोटा पतला होगा तो समझ जाओ खराब होगा, खराब नहीं होगा तो पपड़ी पूरा बन जाएगा। इसलिए बेलने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम सूजी वाले गोलगप्पे बनाना, तो उसके लिए आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से, थोड़ा टाइम लगे तो लगे लेकिन एकदम बढ़िया से बेलना है ताकि एकदम एक साइज का रहे और एक बराबर रहे। जब आप लोग एक साइज का बेलेंगे तो आपका एक साइज का पूरी भी बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अभी हम लोई बना के रखे थे, हमारा टोटल 220 पूरी है और 220 में अगर 20 मानता हूँ पपड़ी बनेगा, लेकिन बाकी तो 200 पूरी एकदम परफेक्ट बनेगा। और उसका खर्चा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आएगा कितना नहीं आएगा, जब बनाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अच्छे से, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो ये हमारा जो साइज है और एक साइज है, यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ कभी भी, कि जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं, जब तक समझ पाएंगे नहीं। इसलिए एक बार अच्छे से देखो उसके बाद बनाओ ताकि एकदम परफेक्ट बने। और ये जो हमारा कपड़ा है, ये हमारा कॉटन का कपड़ा है और ये पूरा सूखा कपड़ा है, गीला बिल्कुल नहीं है। इसको हम क्या करेंगे बेलने के बाद, इसको कम से कम एक घंटा एकदम अच्छे से ढांक के बढ़िया से रखेंगे ताकि हवा बिल्कुल भी ना लगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब मैं आप लोगों को अभी फ्राई करके दिखाऊंगा एक घंटे के बाद, और बने रहिएगा वीडियो में ताकि आप लोगों को आज के वीडियो में पता चले पानीपुरी वाले गोलगप्पे वाले बनाते कैसे हैं। अब जो देखो मैं जो सूजी वाले गोलगप्पे बनाया था, और एक चीज़ मैं देखो ये जो आँच अभी तेज है ना, अगर ये ऐसे आँच में फ्राई करेंगे तो इसका जो है ये अच्छा बढ़िया क्रिस्पी नहीं होगा। मैं वो भी अभी दिखाता हूँ आप लोगों को वजह क्या है। और अगर थोड़ा सा ठंडा तेल रखेंगे तो एकदम बढ़िया एकदम ज़बरदस्त बनेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी टाइम में, कि सिर्फ मैं आप लोगों को अभी समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि मतलब सही क्या है गलत क्या है। अब ये हिसाब से फ्राई करने अगर कभी भी करेंगे तो कभी नहीं बनेगा एकदम क्रिस्पी करेंची। और इसको हम थोड़ा आँच इसका कम करके उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये जो गर्म आँच पे फ्राई हो रहा है, ये देखो ये, जबकि अभी ये बरोबर नहीं बन रहा है, ये ना ज़्यादा क्रिस्पी है ना ज़्यादा करेंची है। आप लोग देख समझ सकते हैं खुद ही सही बात है कि गलत बात है। मैं जानबूझ के आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि मतलब हाँ रियल पता चले आप लोगों को सही है कि गलत है। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा भट्टी के अंदर मारे हैं पानी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम। अब अगर देखेंगे तो देखो ये पानी मारने के बाद हमारा आँच हो गया ठंडा। अब उसके बाद हम इसमें फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मतलब हाँ अब कैसा बनेगा, क्योंकि ये आँच हो गया है कम। जब एकदम अच्छे आँच पे आप लोग फ्राई करेंगे तो एकदम एकदम परफेक्ट क्रिस्पी करंची ही बनेगा। अब ये हिसाब से देखो, पहले जब कितना तेज आँच था एकदम पूरा बाहर निकल रहा था इसकी आँच, अब अगर देखेंगे तो देखो ये अब इसको हम एकदम बिल्कुल ठंडे आँच पे एकदम बढ़िया से इसका हम फ्राई करेंगे एकदम अच्छा लाल, कि खुद पता चल जाएगा। निकालने के बाद मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मतलब कैसा हुआ है और उसमें इसमें फ़र्क कितना है। एक मिनट, अब ये जो देखो जो गर्म आँच पे फ्राई हुआ है वो देखो, और जो ये
कम आंच पे फ्राई हुआ है। अब इसको मैं आप लोगों को अगर फोड़ के दिखाऊं, जबकि बहुत गर्म है लेकिन फिर भी हाथ जल जाएगा मेरा ये, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो देखो, ये देखो उसमें इसमें कितना फर्क है, आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त वीडियो है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।